हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम और मेरा नाम वजह तो यार रावण आते ही भगवान शिव जी के कदमों में गिर गए और उनके जो देखने का अंदाज है यूं लगता है। लेकिन रावण हर वक्त भक्ति 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 उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। उसने सब कुछ छोड़ दिया भाई दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव जी। अब आगे देखते होता है क्या। तो स्टार्ट, आज मेरा जन्म सफल हुआ प्रभु। देख मतलब भक्ति में लीन हो गया, बिल्कुल स्वप्न पूरा होने वाला है। को भगवान मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। भगवान मिल जाए लेकिन दुनिया के भी काम होते हैं। मैं तो सदैव अपने भक्तों के हृदय में ही वास करता हूँ। उनका जरूरत क्या है? ये देखा मिल क्या चाहे, सबके दिलों में होते हैं। तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता है आज कैलाश में आने की तुम्हारी प्रबल इच्छा पूरी हुई। भगवान शिव जी खुश हुए कि रावण की वो जो फरमाइश थी, वो जो इच्छा थी, कैलाश जी वो पूरी हुई है। भगवान शिव जी कुछ भी खुश है भाई। यार देख बड़ी खुशी होती है। वो देख यार, वो देख यार, आज रख अभी देखते हैं ये भवन भगवान शिव जी बताएंगे। भगवान शिव जी हाय कपड़ा हटाने वाला ही ये देखिए वास्तुकार दशानंद द्वारा निर्मित ये प्रतिकृति। प्रतिकृति देखना यार, बहुत खूबसूरत है। हम तो आसान लफ्जों में ना, वो नक्शा टाइप जो होता है। इसमें कैलाश योग्य आदर्श गृह के सभी गुण उपस्थित हैं। और भगवान गणेश जी ने तो कमरे भी डिसाइड कर लिए हैं। ये साजी, यदि आप स्वीकृति दें तो हम इसी के आधार पे भवन निर्माण का कार्य आरंभ कर सकते हैं। ये अब इनके सामने आदर्श गृह कैसा होना चाहिए, इसमें तुम सबके अपने अपने विचार थे। इसलिए इस प्रतिकृति को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार तुम सबका ही होना चाहिए। अवश्य पिताजी, यानी कि यह अत्यंत सुंदर है। स्वीकार करने का हक इनको सबको दे दिया। मैंने और गणेश ने तो इसे अपनी स्वीकृति पहले ही दे दी। और प्रभु हमें भी ये अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। क्योंकि नंदी जी भी वहीं पे जाएंगे ना। यार रावण जी दशानंद, देखो दशानंद, सबके मुख पर प्रसन्नता का भाव रावण की वजह से, और इसका कारण केवल तुम हो। ये तो है, रावण तो और धन्य हो गया। जब आपको ये चीजें सुनने आज केवल तुम्हारा ही नहीं अभी तो हमारा भी स्वप्न पूर्ण हुआ है। माता जी का सबसे बड़ा हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें। धन्यवाद करके मुझे लज्जित ना करें। आप मुझे केवल अनुमति दें, एक अवसर दें, कैलाश पर एक ऐसा ही भवन निर्माण करने हेतु। स्वामी, क्या आप दशानंद को आज से ही इस कार्य को आरंभ करने की स्वीकृति नहीं दे सकते? आज ही से। जैसी तुम्हारी इच्छा पार्वती। ओ,
भगवान शिव जी इसमें भी तस्वीर दिखा रहे क्या, क्योंकि पहले जो हुआ है अब कैसे क्या। गृह निर्माण आरंभ करने से पूर्व क्या मैं कैलाश का परीक्षण कर इस भवन की आधारशिला का स्थान सुनिश्चित कर लूं? स्थान मतलब ये जो बनाएंगे वो जगह, इस जगह पे, क्योंकि फिर इसी स्थान पर मैं वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु पूजन और दिशा पूजन कर सकता हूँ। पूजा शुजा होती है मतलब घर बनाना। अवश्य दशानन, तुम नंदी के साथ जाओ, उससे अधिक कैलाश को ना तो कोई जानता है और ना ही कोई समझता है। नंदी। और नंदी, तुम दशानंद के साथ जाओ हमेशा से कैलाश में रहो, उचित स्थान ढूंढने में उनकी पूर्ण रूप से सहायता करो। अवश्य माता। ये दास मुझे क्या सिखाएगा? माता पार्वती मेरे साथ उसे नहीं भेज सकती थी जो मेरे योग्य हो। क्या मतलब? जैसे गणेश या कार्तिकेय, यानी कि उनके बराबर समझ रहे हैं। आइए दशानन। हैं? जो मेरे बराबर हो, यानी कि रावण अभी खुद को भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी के बराबर समझने लग गए। वाह, वाह, रावण जी भक्ति में तो आप डूब ही गए, इतना गए आपको फर्क ही नजर नहीं आया। तेरा जो मेरे बराबर के हो, मैं बोलने ही वाला था, मैंने कहा यार कहीं स्वप्न ना हो। माँ तो डरी रहती है ना। हाँ? अरे ये पास है, उनके साथ लेटा हुआ था वो माता की, ना कुछ नहीं हुआ। ना होश की, जब तक शादी नहीं होती है शोक सुंदरी के साथ, जब तक इनकी जान खतरे में। हाँ ये तो है। माँ डर गई, ये स्वप्न है, ये सपने पूरे भी हो सकते हैं। इस तरह सुंदरी जी को आया था, फिर वो रूप भी तो चेंज कर रहे थे ना आजकल। ये मैं चिंता क्यों कर रही हूँ, लेकिन संरक्षण महादेव और देवी पार्वती ने तो स्वयं आश्वस्त किया है मुझे और उनका संरक्षण कि वो नहुष की रक्षा करेंगे। ऐसे हमें कोई याद भी नहीं लगा सकता। इस वक्त कहीं आने वाले संकट का संकेत हुआ तो देखा, ये हो सकता। सत्य तो यही है कि हुंड जीवित है और उसे नहुष से भय है, वो प्रयत्न कर सकता है और नहुष को तब तक नहीं मार सकता जब तक शोक सुंदरी जी के साथ शादी ना हो। नहुष का विवाह। ओ हाँ, अबे कैसे? सभी समस्याओं का समाधान उसके विवाह में ही नहीं। उधर अशोक सुंदरी जी ने भी कहा था कि अगर हो जाए तो। हाँ मेरे भवन निर्माण हेतु उत्तम है ये स्थल। किंतु दशानन, इसके लिए तो आपको इन वृक्षों को काटना होगा। निसंदेह। नहीं नहीं दशानन, ये वृक्ष महादेव के अत्यंत प्रिय है, यानी कि जो दरख्त हैं, इनके नाम भी रखे हैं उन्होंने, इनका हनन उन्हें स्वीकार्य नहीं होगा। लाला रावण ऐसा ना करो, जो भगवान शिव जी को प्रिय है। चलो देखते हैं, बात करते हैं। हाँ। और ये स्थल महादेव का अत्यंत प्रिय स्थल है। अच्छा, ये यहाँ महादेव ध्यान हेतु आते हैं। अच्छा, तो यार ये घर कहाँ बनाएंगे? लेकिन कोई ना, कैलाश तो बहुत बड़ा है। हाँ ये
लेकिन मतलब कुछ जगह जिस तरह भगवान शिव जी की डिसाइड क्यों है, जिस तरह उनको वो जो द्रव्य है तो उनके प्यारे उनके नाम भी रखे हुए, तो वो काटने पड़ेंगे भवन, कुछ छोटा मोटा तो नहीं होगा ना यार, इतना बड़ा भवन होगा कि हम सिर्फ सोच सकते हैं। वाक्या, 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 और यहाँ पे ये जगह बताई तो वो भी भगवान शिव जी के ध्यान के लिए। यार मुझे बात वो खटक रही है, वही वाली बात के उन्होंने बोला कि भाई ये गणेश जी को भेज दिया दास को, यानी कि मेरे जो बराबर है भगवान गणेश जी कृतिके जी। यार आपके बराबर क्या मतलब, हम उस बात को ही नहीं समझे कि आपके बराबर क्या मतलब। बराबर मतलब जो जैसे मैं हूँ वैसे बराबर, यानी कि अपने बराबर भगवान गणेश जी को और कृतिके जी को समझ रहे हैं। भगवान गणेश जी कहाँ और कृतिके जी कहाँ, और भाई ये रावण का, लेकिन यार चलो होता है आ जाते हैं मन थोड़े बहुत मन के अंदर तो आते हैं, लेकिन ये आगे विचार ज्यादा गहरे ना हो जिस तरह अभी इन्होंने ये बात भाई देख इस बंदे ने खराब तो होना ही होना है, लेकिन अब होना किस वजह से ये आगे देख दे, क्योंकि रावण को कोई अच्छे लफ्जों में तो जानता नहीं है। भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई। आज भी हमें पता है कि यार वो भक्त थे क्योंकि लोग बता रहे थे बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन हमने देखा। लेकिन अब ये आगे सिचुएशन देखेंगे कि तब क्या होता है, क्योंकि वो पत्थर वाली जगह थी वहां पर भी उन्होंने बोल दिया ना, ये भी उनकी बहुत ज्यादा फेवरेट है यहाँ पर। लेकिन अब ये जगह ढूंढ के कौन सी निकालते, हो सकता है जाहिर बात है नंदी जी को क्यों भेजा माता जी ने कि ये कैलाश को अच्छे तरीके से जानते हैं, जहाँ जहाँ भगवान शिव जी की प्रिय जगह है वो नंदी जी को सब पता है, और जहाँ खाली जगह है वो सब पता है नंदी जी को। लेकिन अब आगे देखते होता है क्या तो